हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। अभी हम देखेंगे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। इसके पहले मैं आपको बोलूंगी, प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया। और इसका पहला क्वेश्चन है, द इंडियन हाउस रूल सोसाइटी इन लंडन वॉज स्टार्टेड बाई। तो ये इंडियन हाउस होम रूल सोसाइटी इन लंडन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो वो है श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। फरवरी 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में एस्टेब्लिश करते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी को, जिसको इंडिया हाउस भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इंडियन होम रूल सोसाइटी को ही इंडिया हाउस भी कहते हैं। और इसका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू एस्टेब्लिश सेल्फ रूल बाय इंटिमिडेटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इंटिमिडेट करना मेनली किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एंड टू गेट सेल्फ गवर्नमेंट। फ्रॉम हेयर अ न्यूज़पेपर सोशियोलॉजिस्ट वॉज स्टार्टेड। और यहीं से न्यूज़पेपर सोशियोलॉजिस्ट स्टार्ट होता है किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्याम जी डिपार्टेड फ्रॉम लंदन फॉर पेरिस ड्यू टू ओवर एक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड लेटर टू जिनेवा। और जैसे ही जो गवर्नमेंट होती है ओवर एक्टिव हो जाती है, तो श्याम जी कहाँ से कहाँ जाते हैं? लंदन से पेरिस से आते हैं, उसके बाद वो जिनेवा जाते हैं, स्विट्जरलैंड की राजधानी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो वो कहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं? लंदन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडिया हाउस के नाम से भी जानते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन, तो वो है 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और इंडियन ये सोशलिस्ट नामक जो बुक है उसका भी, वो जो न्यूज़पेपर है वो भी स्टार्ट किया जाता है किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के। इंडिया हाउस इन लंदन वॉज एस्टेब्लिश बाई श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इंडियन हाउस कर दिया गया और यहाँ पे क्या है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो इसके भी होंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा। हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द गदर पार्टी। गदर पार्टी इनमें से किसने फाउंड किया था? तो है लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। पिछले क्लास में हमने देखा था कि लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्वर्ण सिंह जो भाकना है वो क्या करते हैं, वो फाउंड करते हैं। स्वर्ण सिंह भाकना, लाला हरदयाल, ये सब फाउंडर होते हैं किसके? जो गदर पार्टी होती है। और गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में फाउंड किया जाता है। और इसका जो नाम होता है वो उस टाइम उसका नाम होता है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। तो ध्यान रखेंगे, गदर पार्टी का ही नाम है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गदर नाम की एक पत्रिका भी क्या करती थी और पब्लिश किया करती थी, और इसी वजह से इसका जो नाम होता है वो गदर पार्टी होता है। तो इसका, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसका क्या नाम होता है? उस टाइम उसका नाम होता है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक। और क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं कि सोहन सिंह भाकना भी इससे इसके फाउंडर रह चुके हैं। यस, लाला हरदयाल वॉज ऑल्सो वन ऑफ इट्स फाउंडर मेंबर एंड टॉर्च बेयरर। अदर जो मेंबर थे गदर पार्टी के, जिसको हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट भी कहा जाता है, वो थे राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम विकासजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा एंड पंडित काशीराम। सिंस ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना नहीं दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो किसका होगा? लाला हरदयाल का। ठीक है, नेक्स्ट कुछ हुआ, मतलब फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद लाला गदर पार्टी। तो इनमें से कौन से दो थे वो गदर पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे? तो लाला हरदयाल थे, बरकतुल्लाह थे, पंडित रामचंद्र थे, खुदीराम बोस जो नहीं थे। किससे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी रिलेटेड थे मुजफ्फरपुर कन से। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा, ये एसोसिएटेड नहीं थे। गदर पार्टी का हमने भी जस्ट देखा, 21 अप्रैल 1913 में इंडिपेंडेंस पाने के लिए इसका स्थापना होता है सैन फ्रांसिस्को में। और जो कौन मेंबर इसको फॉर्मेशन करते हैं, इसके फॉर्मेशन में जिस मेंबर का हाथ रहता है, जो लोग रहते हैं, वो इमिग्रेंट्स इंडियंस होते हैं, जो इंडिया से माइग्रेट करके जाते हैं कहाँ पर? USA और कैनेडा में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर होते हैं? सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर पड़ता है? USA में। लाला हरदयाल क्या थे? एक फाउंडर थे, और सोहन सिंह भाकना जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। रामचंद्र बरकतुल्ला, राज बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम विकासजी कामा, परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम वर द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ द गदर पार्टी।
खुदीराम बोस के बारे में हम मैंने पहले ही बोला था, खुदीराम बोस ने एक बॉम्ब को थ्रो किया था किंग्सफोर्ड पे, और उनके साथ कौन थे, प्रफुल्ल चाकी थे। 30 अप्रैल 1908 को, जिसको मुजफ्फरपुर कांड भी कहते हैं, और मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो वाइफ और उनकी डॉटर होती हैं, मिस्टर कैनेडी एंड मिस मिस्टर कैनेडी की वाइफ मिस कैनेडी और मिसेस कैनेडी का डेथ हो जाता है। प्रफुल्ल चाकी जो होते हैं वो कमिट कर देते हैं सुसाइड, और खुदीराम बोस को हैंग कर दिया जाता है एट द एज ऑफ 18 years 8 months 8 days ऑन 11th August 1908। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑर्गेनाइज द गदर पार्टी। गदर पार्टी को ऑर्गेनाइज किसने किया था, लाला हरदयाल ने। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1913। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के लीडर कौन थे, तो वो है लाला हरदयाल। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय, तो गदर पार्टी किसके द्वारा फाउंड किया जाता है, तो वो है सोहन सिंह भाकना। अगर लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना में हमें चूज करना होगा, तो मेन जो इसके फाउंडर थे वो सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, अगर सोहन सिंह भाकना नहीं रहेंगे ऑप्शन में, और ऐसे ए भी करके रहेगा, तो सोहन सिंह भाकना लाला हरदयाल दोनों ही होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गदर पार्टी, तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, वो थे सोहन सिंह भाकना। हमने अभी जस्ट देखा 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो इंपॉर्टेंट मेंबर थे, कहा सैन फ्रांसिस्को में एस्टैब्लिश हुई थी, और इसके एस्टैब्लिश करने वाले लोग कौन थे, जो कि माइग्रेट किए थे इंडिया से कैनेडा और यूएसए में, उन लोगों ने स्थापना की थी। हेड क्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। मेंबर कौन कौन थे, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस, और सोहन सिंह भाकना जो थे इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, किसके, गदर पार्टी का। इस पार्टी का एक हिंदुस्तानी गदर नाम के न्यूज़पेपर बना, ये इस पब्लिश किया करते थे, और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया गदर पार्टी। ठीक है, विच वॉज पब्लिश इन उर्दू एंड पंजाबी लैंग्वेजेस। 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेयर द गदर रिवोल्यूशनरी हु बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो गदर रिवोल्यूशनरी कहाँ पे थे एक्टिव, वो थे वेस्ट अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को वेस्टर्न अमेरिका का पार्ट होता है। ठीक, वेस्टर्न अमेरिका का पार्ट होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सैन फ्रांसिस्को इन नॉर्थ अमेरिका वॉज द सेंटर ऑफ रिवोल्यूशनरी ऑफ द गदर मूवमेंट। 1913 में गदर पार्टी स्टार्ट हुआ था, और 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। सैन फ्रांसिस्को वेस्टर्न पार्ट में स्टेब्लिश सिचुएटेड है, किसके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ठीक, इफ वन टेक्स इन टर्म्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स, देन द आंसर विल बी बी, मतलब अगर हम कॉन्टिनेंट्स के टर्म में देखेंगे तो वो होगा नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका डिवाइडेड है, और जो अमेरिका है वो डिवाइडेड है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और बीच में है हमारा सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन सैन फ्रांसिस्को ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गदर पार्टी वॉज फाउंडेड, तो यूएसए। 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गदर क्या था, तो गदर था एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था। अगर उसमें गदर ऐसा कुछ पूछा जाए तो ये एक न्यूज़पेपर भी था, ध्यान में रखेंगे, पब्लिश किया जाता था। तो एक एसोसिएशन था, रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था, जो कि माइग्रेंट्स इंडियंस के द्वारा फॉर्म किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा, और ये यूपीएससी प्री 2014 का भी क्वेश्चन रह चुका। इसको फॉर्म किया गया था 21st of April 1913 को, और ये एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था, हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को में था। इसका पर्पस था, सेम पर्पस था, इंडिया को फ्री करना ब्रिटिशर्स से। ठीक है, 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी वॉज इन, तो वो है सैन फ्रांसिस्को। 18th नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ गदर रिवॉल्यूशन, गदर रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक का क्या रीजन था, तो वो था बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे कि मैंने बताया 1914 से 1919 तक चला था। ठीक है, तो जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट डिक्लाइन हो जाता है, स्वदेशी मूवमेंट आपको पता है 1905 आफ्टर बंगाल पार्टीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और टॉर्च बेयर और स्वदेशी मूवमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद जो टॉर्च बेयर होते हैं नेशनलिज्म में वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, टॉर्च बेयर जो होते हैं नेशनलिज्म में वो इनएक्टिव हो जाते हैं जैसे ही आपके स्वदेशी मूवमेंट ख़त्म होती है। 1914 में क्या होता है, अचानक से वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हो जाता है, और इंसिडेंट
ये इंसिडेंट होता है जिससे बहुत से जो नेशनलिस्ट लीडर होते हैं वो सोचते हैं इसका फायदा उठाने के लिए। द कंसेप्ट वॉज फेमस दैट एनी डिस्ट्रेस ऑन इंग्लैंड इज एन एडवांटेज फॉर इंडियंस। और उस टाइम एक कंसेप्ट फेमस हुआ था कि कोई भी डिस्ट्रेस जो इंग्लैंड के लिए हो वो एक अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, इंडियंस के लिए, और इट शुड बी टेकन एज अ चांस। नॉर्थ अमेरिका गदर रिवोल्यूशनरीज एंड इन इंडिया लोकमान्य तिलक एनी बेसेंट विद देयर स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशन टुक एडवांटेजेस ऑफ सच पार्टी। और इंडिया में भी क्या होता है, होम रूल लीग स्टार्ट हो जाता है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा, ठीक है, वो भी इसका फायदा उठाने लगते। गदर रिवोल्यूशनरीज थ्रू द आर्म स्ट्रगल ट्राई टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। और वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं ब्रिटिश रूल को भगाने के लिए विद द आर्म स्ट्रगल। 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु मेक द फॉलोइंग एस्टेब्लिश रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रोड। रिपब्लिकन गवर्नमेंट किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है अब्रोड में, तो है महेंद्र प्रताप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है कि जो राजा महेंद्र प्रताप होते हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, कहाँ पर, काबुल में। काबुल आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान की राजधानी है, अभी वो तालिबानाइज्ड हो गया है। अब वो इस्टेब्लिश करते हैं 1915। तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट कब इस्टेब्लिश किया जाता है, 1915 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। उस दिन वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, फर्स्ट चल रहा होता है। और इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट इन दिस गवर्नमेंट राजा जो होते हैं वो खुद को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, और उनके जो एसोसिएट होते हैं मौलवी बरकतुल्ला वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जर्मनी एंड रशिया गेव रिकॉग्निशन टू दिस गवर्नमेंट, और इसको रिकॉग्निशन भी मिल जाता है किससे, जर्मनी और रशिया के द्वारा। 20th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ राजेंद्र प्रताप एज इट्स प्रेसिडेंट वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन, तो हमने अभी जस्ट देखा अफगानिस्तान के काबुल में। 21st नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह वॉज फाउंडेड इन काबुल विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द, तो हमने से कोई भी ऑप्शन जो होगा वो सही नहीं होगा। गदर पार्टी स्वदेशी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है वो, ठीक है, फर्स्ट वॉर। 22nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, तो मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसको कहा जाता है, तो मैडम भिकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा, जो भिकाजी कामा होती हैं वो क्या होती है, इंडियन फ्रीडम फाइटर होती हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी होती हैं। और उनका जन्म होता है वो एक्सट्रीमली वेल्दी पारसी बिजनेस फैमिली में होता है, और वो एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कहाँ से, अमेरिका से और यूरोप से। और मेन मोटो क्या होता है, फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडियन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। और एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड इट स्टुटगार्ट इन 1907, तो 1907 में स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में है वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर होते हैं इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, एक सेशन होता है, और जिसमें वो क्या करती है, अनफोल्ड करती है फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। तो ध्यान में रखेंगे फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग किसके द्वारा अनफोल्ड किया जाता है, तो वो मैडम भिकाजी कामा के द्वारा, कहाँ पे, जर्मनी में। सी स्ट्रगल विथ हर फुल स्ट्रेंथ फॉर इंडियन फ्रीडम एंड वर्क फॉर एटलीस्ट 30 years रिसाइडिंग इन पेरिस। और वो स्ट्रगल करती है अपने पूरे स्ट्रेंथ से और 30 साल तक वो रहती है कहाँ पे, पेरिस में। 1936 में वो रिटर्न होती है मुंबई, और एट द एज ऑफ 75 एंड इन द सेम ईयर वो डाइड कर, 75 years के में उनका डेथ हो जाता है। सी वॉज पॉपुलरली नोन एज मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, और वो पॉपुलरली किस लिए जानी जाती है, उनका नाम है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, तो वो नन अदर देन मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैडम भिकाजी कामा, तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है मैडम भिकाजी कामा के रिगार्डिंग। मैडम कामा अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन द ईयर 1907, तो वो पेरिस नहीं होता, स्टुटगार्ट होता है, ठीक है, सॉरी स्टुटगार्ट होता है। मैडम भिकाजी कामा सर्वर्ज प्राइवेट सेक्रेटरी टू दादा भाई नौरोजी। मैडम कामा वॉज बॉर्न पारसी फैमिली और वेल्दी बिजनेसमैन फैमिली रहती है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 और 3 होगा वो सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। मैडम भिकाजी कामा का जो जन्म होता है वो 24th of September 1861 को होता है। उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो पारसी होते, सोराबजी पटेल उनके फादर होते, वो शादी करते हैं रुस्तम के आर कामा से।
और वो कौन होते हैं, वो एक एडवोकेट होते हैं एंड सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। मैडम कामा वर्कड एज ए पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में भी काम करती हैं किसके, दादा भाई नौरोजी के। दादा भाई नौरोजी हमें बताया वो एक ग्रेट लीडर थे किसके, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उनको। और उसके बाद सी एसोसिएटेड हर सेल्फ विथ फ्रीडम मूवमेंट व्हेन सी केम इन टू कॉन्टेक्ट विथ यूरोपियन स्कॉलर एंड स्टूडेंट। ठीक है, सी फर्स्ट अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन 22 अगस्त 1907 एट स्टुटगार्ट जर्मनी। 25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग वुमेन हु वाज फर्स्ट टू अनफोल्ड इंडियन ट्राइकलर, तो वो है मैडम भिकाजी कामा 1907 में, कहाँ पे, स्टुटगार्ट में, जर्मनी में। ठीक है, 26th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड मैडम कामा होइस द फर्स्ट ट्राइकलर फ्लैग 1907, तो वो है स्टुटगार्ट जर्मनी। वेयर डिड मैडम कामा अनफोल्ड इंडिया ट्राइकलर फ्लैग, तो वो है स्टुटगार्ट जर्मनी। Which of the following pair got sentenced to the hang for assassination of the British officers in England? तो कौन है जिनको, जिन्होंने assassinate किया था ब्रिटिशर्स को और उनको हैंग कर दिया गया था, तो है मदनलाल ढेगरा और उद्धम सिंह। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। मदनलाल ढेगरा जो है वो क्या करते हैं, वो 1909 में किल करते, मार देते हैं किसको, पॉलिटिकल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कर्जन वाली को, और कवाजी लाल का बाय फायरिंग गन शॉट अपॉन देम, तो वो किसको मार देते, कर्जन वाली को, कौन, मदनलाल ढेगरा 1909 में। एंड उनके इस एसेसिनेशन की वजह से उनको हैंग कर दे, और उधम सिंह को हैंग कर दिया जाता है क्योंकि वो माइकल ओडायर को मार देते हैं जो कि इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, तो वो मारते हैं 1940 में। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे उधम सिंह ने किसको मारा था, उधम सिंह ने मारा था माइकल ओ डायर को, जबकि मदनलाल ढेगरा ने मारा था कर्जन वाली और कवासी लाल काका को। 29th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द कॉमन एमंग भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर एंड एम एन रॉय, इनमें से इन लोगों में क्या कॉमन है, मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर एंड एम एन रॉय, तो ऑल ऑफ देम वेर लीडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट। एम बरकतुल्ला वाज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड रेस्ट वेर मिनिस्टर इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया एस्टेब्लिश बाय अ ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज एट काबुल। ऑल ऑफ देम वेर अमंग द प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज आउटसाइड इंडिया ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। ऑल ऑफ देम वेर एक्यूज इन केस रिलेटिंग टू द थ्रोइंग ऑफ बॉम्ब ऑन लॉर्ड हार्डिंग्स। तो इनमें से एक ही चीज़ कॉमन है कि वो तीनों ही, चारों ही थे, वो क्या थे, प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने आउटसाइड ऑफ इंडिया से ऑपरेट किया था इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। व्हाट वाज कामागाटा मारू, कामागाटा मारू क्या था, देखते हैं इसका, अ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन ताइवान, प्रेजेंट कम्युनिस्ट लीडर ऑफ चाइना, इनमें दोनों में से कोई भी सही नहीं है। थर्ड देखते हैं, अ नोवेल सीप ऑफ वॉइस टू कैनेडा, अ चाइनीज विलेज वेयर माओ से लॉन्ग बिगिन हिज लॉन्ग मार्च, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि कामागाटा मारो एक नेवल सिप होता है जो वॉयज का होता है, कहाँ से, कनाडा से आता है इंडिया में। तो कामागाटा मारो क्या होता है, जापानीज स्टीमलाइनर चार्टर्ड होता है एंड एफ्लुएंट पंजाबी बिजनेसमैन गुरदर्स सिंह इसको लेकर आते हैं इंडिया में, इंडियन माइग्रेंट्स को जो कैनेडा में। ठीक है, तो एक जापानीज स्टीमलाइनर होता है जो एक पंजाबी बिजनेसमैन जिनका नाम होता है गुरदीत सिंह, वो इंडियन इमिग्रेंट को लेके जाते हैं कहाँ, कनाडा में। सीप जो डिपार्ट करती है 1914 में और लेके जाती है 314 इंडियंस को फॉर कनाडा के वैंकूवर पोर्ट के लिए, लेकिन क्या होता है कि कैनेडियन पुलिस रिफ्यूज देयर एंट्री इन कैनेडा, लेकिन जो कैनेडियन फोर्स होती है वो इंडियन वो इस सीप को रिफ्यूज़ कर देती, इंडियंस को रिफ्यूज़ कर देती है यहाँ पे आने से। एक शोर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडियन ट्रैवलर, और इसके लिए एक स्कोर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्योंकि ये राइट्स की बात हो जाती है किसके, इंडियंस के, इंडियन ट्रैवलर के, अंडर द लीडरशिप ऑफ हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक। ठीक है, तो कौन कौन स्कोर कमेटी के मेंबर होते हैं, वो होते हैं हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक, इंडियन भगवान सिंह, बरकतुल्ला रामचंद, सोहन सिंह ऑल्सो कैरिड आउट ए मूवमेंट इन फेवर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स। और जो इंडियन होते हैं भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद, सोहन सिंह, ये एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं फेवर में किसके, इंडियन इमिग्रेंट्स के। और जैसे ही कामागाटा मारो
रीच करती है बजबज पोर्ट, कहाँ पे है, कोलकाता में। एक क्लैश अकर बिटवीन एंगर्ड पैसेंजर एंड ब्रिटिश पुलिस। तो जैसे वो यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पे एक क्लैश हो जाती है, किसके किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडियंस पैसेंजर्स के बीच में। और उस फायरिंग में 18 पैसेंजर मार दिए जाते हैं और 202 पैसेंजर को जेल में डाल दिया जाते हैं, और इसी को बोलते हैं कामागाटा मारो इंसिडेंट। हो अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद कामागाटा मारो एपिसोड, तो वो है बाबा गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह जो कि वो लेकर आते हैं। कामागाटा मारो इज फेमस फॉर, वो किस लिए फेमस है, बिंग अ सिप, ये एक सिप का नाम होता है जो कि जापानीज सिप होते हैं। वॉट वॉज कामागाटा मारो, ये होता है एक सिप, ऑप्शन नंबर जो सी होता है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज एस्टेब्लिश इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने एस्टेब्लिश किया था, तो वो है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को एस्टेब्लिश किया था। वो एक इमिग्रेंट थे जो कि जापान में रहा करते थे, कौन, रास बिहारी बोस। 28 से 31 मार्च के बीच 1942 को बोस जो है, रास बिहारी बोस कन्वीन करते हैं एक कॉन्फ्रेंस को, कहाँ पे, जापान में, टोक्यो के, जापान में। और उनका मेन मोटो क्या होता है, टू डिस्कस पॉलिटिकल इश्यूज विथ इंडियन, इंडियन के साथ पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करने के। बोस ने डिसाइड किया था कि इट एस्टेब्लिश द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन लीग से कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो है शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, आनंद मोहन बोस है। कंफ्यूज नहीं करना, ये इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की बात हो रही है और ये है रास बिहारी बोस, और ये स्टेब्लिश करते हैं कहाँ पर, जापान में। इट वॉज स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द बैंकॉक कन्वेंशन विच टुक प्लेस बिटवीन 14th of June टू 23rd of June 1942 को। और वो एक इसको जो स्ट्रक्चर होता है, कब होते हैं, बैंकॉक कन्वेंशन जो होता है 14 जून से 23rd June ऑफ 1942, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो इन्वाइट किए जाते हैं। और इसी कॉन्फ्रेंस में रास बिहारी बोस इस्टेब्लिश करते हैं किसका, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो बैंकॉक कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन जो है वो रिलेटेड है किससे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से। तो आज के लिए इतना ही रहने थे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय।